सब राज्य और केन्द्रशासित अंचल को सुप्रीमकोर्ट कड़ा निर्देश हेड स्पीच बा घृण्य मंतव्य विरोध में तुरंत कड़ा पदक्षेप ने निर्देश देते सर्वोच्च कोर्ट 2022 रे दिल्ली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को यह निर्देश दिया जाइथिला जहां एबे पूरा देश को संप्रसारित होई सुप्रीम कोर्ट को कहिबा कथा घृण्य मंतव्य देश प्रति बड़ विपद यह समाज पर कुप्रभाव पकाउछि खाली सेतिक नुहे भाईचारा भी नष्ट होउछि तेणु राज्य और केन्द्रशासित अंचल सरकार माने तुरंत पदक्षेप नेबाकु सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइछन्ती मामला रुजु नहले मध्ये सरकार कार्यानुष्ठान नेबे नचेत एहाकु अदालत अवमानना भावे परिगणित कराजिबो हेड स्पीच विरोध में आक्शन सुप्रीम कोर्ट में एकाधिक पिटिशन दायर होता जार शुणी कर जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बी नागरत्नाक खंडपीठ एपरी निर्देश देते घृण्य मंतव्य उपर नजर रखा प्रति राज्य में जड़े लेखाएं नोडल अफिसर निजुक्त करने को आवेदन करा तेरे प्रति जिले में जड़े लेखाएं नोडल अफिसर निजुक्ति करने को खंडपीठ अनुमोदन कर घृण्य मंतव्य पर केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर विरोध में महाराष्ट्र सरकार पदक्षेप नहीं नवाब तलब करते सुप्रीमकोर्ट खंडपीठ कहिबा कथा विचारपति माने अण राजनैतिक व्यक्तित्व सेमानकर कोनोसी पार्टी सह नेणदेण नाही केवल संवैधानिक संविधान को सेमाने मुंड रखिबा उचित बोली खंडपीठ कहिछन्ति भारतीय मल्लजोद्धा संघ सभापति ब्रिजभूषण शरण सिंह विरोध में हो एफआईआर सुप्रीमकोर्ट में यह कही दिल्ली पुलिस आज मामला रुजु पुलिस पक्ष ब्रिजभूषण विरोध में दिल्ली कनॉट प्लेस थाना कुस्तीजोद्धा मैंने अभियोग करते पुलिस मामला रुजु कर सर्वोच्च अदालत द्वारस्थ होते कुस्तीजोद्धा मामला रुजु करने धारण में बसवा कुस्तीजोद्धा सुरक्षा देवाई निर्देश देते सुप्रीमकोर्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह विरोध में यौन निर्यातना अभियोग आनी दिल्ली जंतर मंतर में पांच दिन धरी धारण में बसी रही रेसलर सुप्रीमकोर्ट निर्देश को स्वागत करने ब्रिजभूषण विरोध में कार्यानुष्ठान दावी करोद्धा विनेश फोगट कहते प्रथम दिन ब्रिजभूषण विरोध में एफआईआर होवार था पुलिस को ब्रिजभूषण विरोध में मामला रुजु करने सप्ताह अधिक समय लगला से पदर रही यार दुरूपयोग करने सुजोग मिल एणु तुरंत ब्रिजभूषण को समस्त पदर हटा जाऊ ब्रिजभूषण नाँ से विभिन्न थाना जो अभियोग अच्छी तार एक लंबा तालिका रखिंट कुस्तीजोद्धा देआसीटी मामलें एपर्यंत ब्रिजभूषण विरोध में कौन कार्यानुष्ठान होना एणु पुलिस यौन निर्यातना अभियोग मामलार निरपेक्ष भाव तदंत होगा जरूरी विश्वभूषण क्षमा करेंगे ब्रिजभूषण को जेल दंड मिलू एक बजरंग पुनिया जेपर्यंत जेल दंड न मिली से पर्यंत धारणा जारी रहिबो केन्द्र क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकुर 12 घंटा नुहे मात्र 12 मिनिट भी आलोचना करि नथिले परवर्ती समय रे फोन उठाई नथिबा पुनिया कहिछन्ती सेपटे अनुराग ठाकुर कहिछन्ती खेलाळीक सह अनेक थर आलोचना होईछि समानक दाबी अनुसार कमिटी गठन होईछि याहाकु कार्यकारी करबा पई समय लागिबो सेपटे कांग्रेस एवं आप नेता धारणा स्थल रे पहुंचि समर्थन जणाइबा सह ब्रिजभूषण को विरोध रे कार्यानुष्ठान नेबा पई दाबी करिछन्ती उसको जेल में डालना चाहिए गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए सभी पदों से हटाया जाना चाहिए हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए उन्होंने बोल रहे कि हम 12 घंटे की खिलाड़ियों से मिले थे उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट की खिलाड़ियों से मिले थे अगर हम टोटल टाइम निकाले तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला भारत सरकार की खेल सचिव मिली हमारे अधिकारी मिले मैं भी कई घंटों तक एक दिन नहीं दो दिन उनसे मिला उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ओवरसाइट कमेटी का उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया और अवसर देने का मतलब यह कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें जब ये कमेटी बनी उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज्यादा तादाद में रखा गया और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है खिलाड़ियों की जो मांग है ये अपने न्याय के लिए लड़ रहे ये किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे ये न्याय दिल लेने के लिए लड़ रहे हैं और जो भी दोषी है इसमें जो एक तो आरोपी है मगर उन आरोपी को कहीं ना कहीं अगर कहीं से उस आरोपी की मदद करने की कहीं कोई बात आती है तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अन्याय में साझा अपना कर रहे हैं
दस वर्ष पर अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या मामलार राय आसी निर्दोष से खलास होती जिया बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली प्रमाण अभाव सूरज को क्लीन चिट दे सीबीआई स्वतंत्र कोर्ट जिया खान मां रबेया खान कहते झील प्रति अन्याय हो आत्महत्या नुहे बर हत्या 2013 जून 3 तारीख में मुंबईर जुहू स्थित बाष्पभवन आत्महत्या करते जिया खान प्रेमजनित व्यापार नुहे जिया डिप्रेशन रही सुइसाइड कर अनुमान जिया खान मृत्यु मामलार दि एंड सूरज पांचोली सीबीआई कोर्ट क्लीन चिट मां रबेया खान जुक्ति झील को कर हत्या दस वर्षर मामला अनेक अभियोग अनेक सस्पेंस हाइकोर्टर सीबीआई कोर्ट शेषे निर्दोष से खलास सूरज पांचोली जिया खान बी टाउन रो ए चर्चित चेहरा मात्र 16 वर्ष बयस बॉलीवुड रे एंट्री करते कम बयस सिल्वर स्क्रीन में मिलता सफलता हेले 25 वर्ष बयस मृत्यु को अपणाई नहीं अभिनेत्री 2013 मुंबई स्थित घरे आत्महत्या करते जिया खान से बी टाउन को दोहले खबर अभियोग आधार में पुलिस स्कानर थे अभिनेता तथा जिया खान बॉयफ्रेंड सूरज पांचोली पुलिस सूरज को गिरफ कर तदंत चल सीबीआई जांच करुथला दस वर्ष धरी चली मामलार शुणाणी शेषे स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट सूरज पांचोली को प्रमाण अभाव निर्दोष से खलास कर जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफर हुई थी दैट ट्रांसफर वाज आल्सो विद अ पर्टिकुलर रीजन कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है देयर इज समथिंग मोर देन सुसाइड इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कंटिन्यूड बाय सीबीआई कोर्टों निष्पत्ति को ग्रहण करना जिया खां मां रबेया खान दस वर्ष अपेक्षा पर भी न्याय मिलनवा से झी आत्महत्या करना बर हत्या कर झील को न्याय देवे अदालत विफल होता कहते रबेया खान आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग किभली निर्दोष से खलास सूरज काहीकि सूरज को मिलला क्लीन चिट जिया खान आत्महत्या पर घर मिलता एक सुसाइड नोट आत्महत्यार चारिदिन पर यह नोट जबत कर पुलिस या सहित एक डायरी भी पुलिस हाथ लगी तेज आरंभ सुइसाइडल नोट को नहीं लगि रही सन्देह ट्रायल समय सुइसाइडल नोट उपर फोकस कर छ पृष्ठा विशिष्ट सुइसाइडल नोट्र अक्षर सहित मेल खाऊन एक पृष्ठा लेखा डायरी न पृष्ठा लेखा सह जिया खां मां रबेया लिखिते यही न पृष्ठा लेखा जहां से निजे कोर्ट में मानि जिया मृत्युर पांचयन पर सुइसाइडल नोट मिलथिबारु याकु नै प्रश्न उठी जहां कोर्ट में प्रमाणित करते सूरज उकिल जिया खां केवल सूरज डिप्रेसन नर अनेक बंधु भी थे 2008 रु डिप्रेसन में रोते जिया खां चिकित्सा चली 2012 सूरज जिया बंधुता होता तेणु केवल सूरज जिया चिंतार रोते कह ठीक नुह एपरी कोर्टे उपस्थापन करते सूरज वकिल जिया जितेबले आत्महत्या करते 72 घंटा पूर्व अर्थात जून 1 तारिख में हैदराबाद जाते एक प्रोजेक्ट ऑडिशन देते जून 2 रे मुंबई फेरी आसी सूरज सहित समय बीत जून 3 रे जिया निज जुहूस्थित घरे रही समय सका माँ रबेया जिया खां राति 9:30 हैदराबाद जिया को आसा फोन कल ऑडिशन रे से फेल होता क्या ही डिप्रेशन आउ एक कारण हो पारिथाए कोर्टे सूरज वकिल जिया खान प्रफेसन को नहीं बहुत डिप्रेशन में रोते जहाँपाई से आत्महत्या करपारती कोर्टे जुक्ति रखाई और उभय पक्षर जुक्ति शुणा पर सूरज को निर्दोष से खलास कर स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया माफिया डन अतिक अहमद और अशरफ को काहीकि चले चले निया सेमानकु काहीकि आंबुलांस रे हॉस्पिटल को निया जाउ नथिला सेमानकु मेडिकल नेबा खबर केमिति हत्याकारी जानिबा को पाइले उत्तर प्रदेश सरकार को एमिति प्रश्न करिसेंति सुप्रीम कोर्ट अतिक अहमद और अशरफ हत्या मामलार शुणाणी बेले एभली प्रश्न उठाइछेंति सर्वोच्च अदालत अतिक और अशरफ को हॉस्पिटल निया जाउछु बोली किभली जानिले हत्याकारी
एप्रिल 15 तारीख राति रे स्वास्थ्य जांच पई अतिक एवं अशरफ को प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल को निया जाउथिला। एही समय रे तीन जन युवक अति निकट रु समानक गोली करी हत्या करथिले। जणे अवसरप्राप्त विचारपति द्वारा मामलार निरपेक्ष तदंत करायबा दाबी रे सुप्रीम कोर्ट रे एक पिटीशन दायर होइथिला। विचारपति जस्टिस रवींद्र भट्ट एवं जस्टिस दीपंकर दत्तांक खंडपीठ यार शुणाणी करथिले। हत्या मामलार तदंत पई एपर्यंत कोण पदक्षेप निया जाइछि सेनी सत्यपाठ दाखल करबा को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देइछन्ति सुप्रीम कोर्ट। एथिसहित एप्रिल 13 तारीख रे होइथिबा अतिक पुअ असद एवं गुलाम महम्मद को एनकाउंटर उपरे मध्य उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट तलब करिछन्ति सुप्रीम कोर्ट। सत्रह से जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं उन सब पे उनको एफिडेविट देना है और उनसे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट हैं अतीक और अशरफ से पहले जो एनकाउंटर हुए हैं उस पर भी कोर्ट ने कहा था कि इससे पहले भी दो एनकाउंटर हुए हैं पुलिस कस्टडी में जो हत्या हुई है तो उस पर भी उनके द्वारा एफिडेविट फाइल किया जाएगा और जो भी इंसिडेंट्स हैं उससे रिलेटेड वो क्या क्या राज्य सरकार ने आगे कदम उठाए हैं जांच के लिए वो सारा कुछ निकल के उसमें आएगा। बुलेटिन गोटे छोटा ब्रेक ब्रेक पर अच्छी कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। युक्रेन उपरे रूसियार भयंकर आक्रमण राजधानी कीव सह 10 शहर उपरे मिसाइल वर्षा 19 मृत अनेक आहत मस्को आतंकवाद रो परिचय देउथिबा कहिले जेलेंस्की। परोक्षरे नाटो को पुतिन को चैलेंज कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला The taste of New India.